जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सनातन। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री, स्किन प्रॉब्लम्स का क्या रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी से, आओ हम जानें। स्किन प्रॉब्लम्स, सफेद दाग, सिरोसिस, एक्नेस बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है, जिनका उपचार करने में भी डॉक्टर्स को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे पास अक्सर बहुत सारी कंसल्टेशंस रिगार्डिंग स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार मैं हैरान होता हूँ, मेरे पास स्किन के माहिर डॉक्टर भी कंसल्टेशन के लिए हैं। स्किन के माहिर डॉक्टर भी कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं। तो मैं आज आपको इसके सबसे पहले जानते हैं इसके मुख्य कारक कौन से। शुक्र, बुध, केतु, चंद्र। यदि आपके बर्थ चार्ट में शुक्र नीच का है या मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ बैठा हुआ है तो आपको त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। इसके अलावा बुध, यदि बुध आपका नीच है या मैलिफिक फैक्ट्स के साथ है, बुध के साथ चंद्र, केतु, राहु, शुक्र ये योग बनते हैं तो आपको स्किन संबंधी समस्या है होने के बहुत ज्यादा चांस। केतु यदि आपका नीच है या मैल्पिक फैक्ट्स में है तो आपको स्किन संबंधी रोग होंगे। यदि चंद्रमा कहीं भी आपका नीच हो गया या मैल्पिक फैक्ट्स में हो गया तो आपको स्किन संबंधी समस्याएं आएंगी। मेरे प्यारे मित्रों, इसके लिए हमने कौन कौन से घर देखे, इसके लिए हमने अपने बर्थ चार्ट का पहला घर जो कि हम स्वयं को दर्शाता है, यदि इसमें घर कोई ग्रह नीच का बैठ गया जहां इसमें बुध, शुक्र, केतु, चंद्र नीच का बैठ गया, हमें स्किन प्रॉब्लम। इसके अलावा ने लग्नेश देखना है, लग्नेश नीच का हो गया या मैलिफिक पैक्स में हो गया तो हमने स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्स हाउस में केतु नीच का, बुध नीच का, शुक्र नीच का, केतु नीच राशि में बैठ जाएगा तो हमें स्किन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हमने सिक्स हाउस का लॉर्ड भी देखना है, यदि वो नीच तो नहीं हो गया। इसके अलावा हमने एट्थ हाउस देखना है, एट्थ हाउस में बैठने वाले ग्रह यदि उसमें बुध बैठ गया, शुक्र बैठ गया, केतु बैठ गया या कोई चंद्र बैठ गया तो हमें स्किन समस्या होगी। तो ये बहुत जरूरी है, एट्थ हाउस में यदि कोई नीच ग्रह सेकंड हाउस से एस्पेक्ट करेगा या सेवंथ हाउस से कोई नीच ग्रह एस्पेक्ट करेगा फर्स्ट हाउस को या सिक्स्थ हाउस को, ट्वेल्थ हाउस से कोई ग्रह की दृष्टि होगी, नीच ग्रह की दृष्टि होगी बारहवें घर से, तो ये भी हमें स्किन संबंधी समस्याएं देंगे। मेरे प्यारे मित्रों, ये तो आपने जान लिया कि स्किन संबंधी कौन से ग्रह है और कौन से घर देखने हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या। सबसे पहले चंद्रमा के उपाय, चंद्रमा के पाए में आएगा कि हमें चंद्रमा को ठीक करने के लिए पानी खूब पीना है, पानी खूब पीना, चांदी के गिलास में पानी पिए, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करें, स्टेप्स से बचें, नींद खूब लें। तनाव से बचने का एक ही तरीका है, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, नींद पूरी लेना, पानी।
नेक्स्ट इज मर्करी। मर्करी के अंतर्गत आती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स। ये बुध के अंतर्गत आती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाएं, सीड्स, पंपकिन सीड्स, सिया सीड्स या अलसी के बीज एक चम्मच रोज लें। हरी सब्जियां का दान भी करें और किसी किन्नर का आशीर्वाद भी लें। नेक्स्ट इज वीनस। अपनी हाइजीन का ख्याल जरूर रखें, अपने शरीर की साफ सफाई जरूर करें, अपने अंडर गारमेंट्स रोज चेंज करें, गीला कपड़ा कभी ना पाएं, पसीना कभी भी ना, वहां पर सूखते रहना चाहिए। जब भी आप कपड़े पहने ये श्योर हो कि कभी भी आपका जो पसीना है वो सूखता है। आपने जब भी कपड़े पहने हैं प्रेस करके पहने हैं, इवन अंडर गारमेंट भी अच्छी तरह प्रेस करके पहने, खुले खुले कपड़े पहने, नाइलन के कपड़े ना पहने। अपनी हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। सप्ताह में दो बार दही के आप मालिश करके फिर नहाएं, दही खूब खाएं, कर्ड जरूर खाएं। आजकल तो ये हमारी साइंस भी मानने लगी है कि प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। प्रीबायोटिक ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलेंगे, प्रोबायोटिक कर्ड्स में। ये कर्ड आपने ज़्यादा से ज़्यादा खाना है और अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, पानी खूब पीना है स्ट्रेस से बचने के लिए, और अपने प्राणायाम योग जरूर करना है, नींद 7-8 घंटे की रोज लेनी है, नींद की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खानी है। ये एक छर्ती उपचार है स्किन को प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। आप अपने डॉक्टर्स के साथ साथ इन ज्योतिषीय उपायों को भी शुरू करें। मेरा दावा है कि कठिन से कठिन, जटिल से जटिल रोग भी इससे ठीक होंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट पामिस्ट्री, आप अपने हाथों से कैसे जाने, पाम से कैसे, वीनस, वीनस के लिए हमने देखना होता है लाइफ लाइन। आपकी लाइफ लाइन की जो जीवन रेखा है गुलाई लिए हुए होनी चाहिए, गुलाई लिए हुए होनी चाहिए। यदि ये आपकी गुलाई लिए हुए नहीं है तो आपको स्किन प्रॉब्लम, जहाँ इसका एरिया छोटा हो जाता है, इसमें डॉट, बहुत सारे एक्नेस पेशेंट्स में मैंने ये देखा है, डॉट ये इंडिकेट करता है एक्नेस। इसके अलावा चंद्र का पर्वत देखना है, यदि इसमें क्रॉस है, यदि इसमें क्रॉस है या नेट बना हुआ है तो आप बहुत प्रोन है स्किन प्रॉब्लम। इसके अलावा अपने हाथ देखें, यदि ये हाथ आपका जहां मून पर्वत आपका ये गोल गुलाई लिए हुए नहीं है, चपटा हाथ है तो आपको स्किन प्रॉब्लम। मर्करी माउंट में इसी तरह देखें, अपने हाथ को ऐसे स्केच करें, देखें ये हाथ में थोड़ा कर्व बन रहा है कि नहीं बन रहा। यदि सीधा है तो इसमें डॉट का होना मर्करी माउंट में ये भी दर्शाता है कि स्किन प्रॉब्लम। सो अपना एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री जरूर देखें। यदि आप अपने ठीक होना चाहते हैं या अपना एडवांस में देखना चाहते हैं कहीं हम प्रोन तो नहीं है इसके लिए, तो आप अपने ज्योतिषीय जरूर सहायता लें, ज्योतिष की सहायता लेने से आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं चाहता हूँ दुनिया का हर आदमी ज्योतिष सीखे, ज्योतिष का फायदा ले, ज्योतिष का लुत्फ ले, ज्योतिष से आनंद। थैंक यू।